हमारे जो बहन भाई हैं सब जमा है यहाँ पर, सबसे पहले खैर बरकत की दुआ करवाते हैं और उसके बाद जी फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह। दिल बहल गया। शायद आप लोगों को किसी को समझ आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारी महफिल कैसी लगी। दर्द ज्यादा हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। चलेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खरिया से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खरिया से। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ जो है ना खुशी का दिन है। तो गांव की एक रस्म और रिवाज है और हमारे गांव में जो है ना जब शादी किसी की भी हो ना एक महीना पहले एक दिन खुशी ज़रूर मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह उसी खुशी को मनाने के लिए यहाँ पर हमारी जो बिरादरी है उसके काफ़ी सारी ख़वातीनें भी और काफ़ी सारे मर्द भी जमाए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी खुशी को मनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पर ढोल वाले भाई भी आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं दूर से थोड़ा बहुत कैमरा फोकस करके आप लोगों को दिखाऊं तो ख़वातीन भी काफ़ी सारी आई हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने ये छोटा सा एक फंक्शन रखा हुआ है और इस पे ऐसा समझ लें हमारी जब शादी होती है ना विलेज में तो एक रिवाज के मुताबिक एक फंक्शन रखा जाता है जिससे बरादरी को और इर्द गिर्द के लोगों को पता चलता है कि शादी है फ़लाँ दिन और अब से जो है ना सेहरे जिस तरह गीत गाए जाते हैं खुशी मनाई जाती है। तो आज से खुशी स्टार्ट है, खुशी का दिन है। तो आज के बाद इंशाल्लाह इसी तरह रोज़ खुशी मनाई जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी को सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारे पहले जाते हैं वो भी ऐसे समझो अपनी शादी है, वो भी मतलब कज़न है। जी बिल्कुल, आज उन लोगों को भी यहीं पर इनवाइट किया है और उन लोगों के भी फैमिली वाले सब यहीं पर आए हुए हैं ताकि हम सब मिलकर उनकी खुशी भी मना सकें और अपने जो ये भी यतीम हैं मेरे कज़न जो हैं ये भी यतीम हैं तो इनकी भी खुशी मनाई जा सके। तो मामू ने सबको इकट्ठा किया है और सब मिलजुल कर ना एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। इसी तरह हमारे विलेज में किसी की भी शादी होती है तो एक मंथ पहले एक फंक्शन रखा जाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि हमारी जो शादी हो रही है शादी पर खुशी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। दूल्हे रेडी हैं तो अब सबसे पहले जो है ना फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सब हमारे जो बहन भाई हैं सब जमा है यहाँ पर, सबसे पहले खैर बरकत की दुआ करवाते हैं और उसके बाद जी फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह अमीन। अल्लाह अमीन। अल्लाह अमीन। शुरू है और अब काफ़ी सारी खवातीन आई हुई हैं तो उनके लिए मामी यहाँ पर बना रही हैं जी चाय। आप लोगों का आवाज़ मेरी कम आ रही हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि आप लोगों को पता है फंक्शन का मौका है तो अभी चाय सब के लिए चाय तैयार होगी। आज तो आपको बड़ा सा देश का चढ़ाना पड़ेगा। सबको पूरी कर लेंगी, पूरी बस्ती के कप इकट्ठे कर लिए।
यहाँ पर जी बड़ा सा देश का जो है ना वो चाय का बनाया जा रहा है और खवातीन जो है ना वो लगी हुई है चाय बनाने में। ये देखें जी मेहमान भी आप लोग चेक कर लें कितने सारे आए हुए हैं आज। महफल जो है ना बड़ी पुर रौनक लगी हुई है आप लोगों के सामने। आप लोगों को पसंद आएगा हमारा जो ये रिवाज है ना, ये रस्म है जो है ना काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। ये हमारा सराइकी कल्चर है, देसी कल्चर है हमारे एरिया का, तो उसको फॉलो कर रहे हैं जी, खुशी मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं जी। आप लोगों को हमारा खुशी का इजहार कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब ये बारी आ गई है चाय की, और चाय में जो जिनको शुगर का मसला नहीं है, जो ज्यादा चीनी पीते हैं वो ज्यादा चीनी कह रहे चीनी मिला के बहुत मीठी चाय दे। चलें जी अब खवातीन और मर्दों में जो है ना चाय तकसीम की जा रही है, चाय तकसीम नहीं बल्कि दी जा रही है, और चाय का माशाल्लाह बरकत वाला बड़ा देश का जो है वो चढ़ा दिया गया है। अभी सबको जो है ना चाय उठा उठा के देते हैं। मामू इधर आए, आपकी ड्यूटी लगाते हैं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। फैमिली बहुत ज्यादा पड़ी है। अच्छा अच्छा ये वो वाली आंटी हैं, इधर देखना। यस यस सलाम तो कर दें आपको, सारे व्यूअर्स मिस कर रहे थे। व्यूअर्स सारे मिस कर रहे थे आपको। हाँ इधर चाय भी दें इनको। सारे सब्सक्राइबर भी क्या कह रहे थे, मिस कर रहे थे सब के। वो आंटी जो है ना काफी अच्छी हैं दिल की भी, और मजाक बहुत अच्छी करती हैं। ये किधर चाय लेके जा रही हैं? चाय ले ले, चाय ले ले। इधर 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 पिलाएं ना वीडियो में, इनको तो बोले ना, इनको बोला भाई आपने चाय पीनी है।
अगर पीनी है तो देखिए 5-6 कप बचे हुए हैं, अगर पीनी है तो ले ले। अभी और भी देर का पड़ा हुआ है, मोस्ट वेलकम। चाहिए तो बहुत सारी बची हुई है, चलती हूँ। हाँ ले ले, इस साइड पे, इस साइड पे सबको मिल चुकी है, इस साइड पे। इन भाइयों को दे चाय, इन्होंने काफी ज्यादा मतलब कि अच्छी झूमर लगाई है माशाल्लाह, ढोल की थाप पे। अभी सबको देते हैं चाय जी, इस साइड पर भी दे चुके हैं। जो ढोल वाली खेल थी वो ख़त्म हो गया, मतलब जो ढोल पे झूमर वगैरह लगाते हैं वो हो गया जी ख़त्म। अब एक और कल्चर आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत अरसा पहले हमने एक कल्चर आपको दिखाए थे, लेकिन अभी आज जो कल्चर दिखाने वाले हैं ना वो भी इंशाल्लाह आप लोग भी याद रखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। ढोल वाले भाई भी दरमियान में बैठेंगे, तो भी बैठी चौकी इसे कहते हैं, बैठी चौकी लगाएंगे यहाँ पर बैठकर, सब जो है ना मस्ती मजाक हंसी मजाक होगा सब यहाँ पर, सबको सुकून तरीके से। तो ये मैं सारा आप लोगों को दिखाऊंगा। रख लाए नहीं दोष बिगाने साते, तेनु रोंदिया पतन ते नी लाए मंजना है, मेरी जिंद जो मुक गई रात। कालर चोले दे सारा जग सड़दा है, असा नौकर ढोले दे मनदर आपसी इस बरसात दा, कोई नुकसान थी सी मुड़ किसे दी जात दा। मेजबान बहू वडा करवील ते खुंद केल है, नहीं रोंदा रोंदा चुप करें दा एक पराना रात दा। चढ़ती नप घोड़ी हिका चंगी रात आई, ओ बई लेखा मन्या छोड़ी नांग बन के दिल दा जानी।
ਚਲ ਜਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਬਿਠਾਇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ जो भाई हैं वो ईंटे बनाने के लिए वो जा भी रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, बेचारों ने मजदूरी करनी है तो फिर साफ बात, उन्होंने जाना जी। सबका दिल खुश हो गया माशाल्लाह। हाँ मजा आया अंकल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल बहल गया। ऐसे बुजुर्ग जो है ना काफी मतलब खुश हुए हैं माशाल्लाह। आप सुनाए, मजा आया हमारे साथ? बहुत खुशी हुई। चलें जी, अल्लाह पाक आप लोगों को सबको खुश रखे। इस जैसे हालात में इसी जैसी खुशियां हो तो थोड़ा दिल बहल जाता है, दिल बहल जाता है बिल्कुल। और सब ने खुशी मनाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे ढोल वाले भाई हैं, हमारे एरिया के हैं, ये गरीब पर्सन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर आज बहुत खुशी मनाई और अभी भी खुशी मनाई जा रही है माशाल्लाह जी। ये अंकल भी आप लोगों ने सुना कितना अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, मतलब सब भाई अला रंग बदल दिन चेहरे उदास ते ए जबरे इसतम में कुछ ता भला एहसास कर पत्थरे दी बारिश कर दिती कच दे गिलास पर चांदनी बच रहे ते काली रात दा मेला न दे ए ठीक है सामने ते ले तो झुक गया हां मगर जालिमा में कुमे दी औकात दा मेहना से ना मिलो से ना मिलो से।
कोई बच जाएंगे इंशाल्लाह महफिल जो है वो जारी रहेगी। मामी और आपकी झूमर देखते हैं थोड़ी सी, सब्र करो ठीक है, वादा इसी वीडियो में। बीट बजा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बीट जो मुझे पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। शायद आप लोगों को किसी को समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी महफिल कैसी लगी, किस किस को समझ आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। महफल हो चुकी है ख़त्म, मामू के सर में दर्द हो रहा था और भाई से तेल लगवा रहे हैं, दर्द ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलें जी, क्या बात है क्या बात है, ये भी एक कला है ऐसा समझ लें।